वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ लोहड़ी के लिए एक हार शेयर करूंगी, जो बच्चों के लिए पंजाब में हार बनाया जाता है। लोहड़ी को उसको ड्राई फ्रूट्स और पीनट्स वगैरह का हार बनाया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ एक न्यू कैंडीज़ और चॉकलेट का हार शेयर करूंगी, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए मैं एक पेपर ले रही हूँ, पेपर को गोल कटिंग कर रही हूँ ताकि उसके ऊपर हम कैंडीज़ जो है लगा सकें। आप अलग अलग शेप्स की, अलग अलग डिज़ाइंस की कैंडी ले सकते हैं, जिसके हम फ्लावर शेप में इसको चिपकाएंगे और जो फ्लावर बने हुए बहुत ही सुंदर लगेंगे। कुछ इस तरह से हमने कैंडीज चिपका ली हैं। एक पेपर लेंगे, पेपर को इस तरह से कट करेंगे और इसको हम गोल शेप में बंद करते हुए जो कैंडी के बीच में लगाएंगे ताकि एक फ्लावर की शेप आ जाए। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप और किसी कलर के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। आप चाहें तो एक इस तरह का शाइनिंग पेपर आता है, 10 रुपीज़ पर पीस आता है, तो इसकी कटिंग करके ये भी लगा सकते हैं। इसका मैं फ्लावर बना रही हूँ, इसको गोल कट करेंगे और इसको हम स्पिरल शेप में पहले पेंसिल के साथ निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए अब इसको कटिंग कर लेंगे। कट करके इसको जो शाइनिंग साइड है उसको अंदर को रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर लास्ट में नीचे बेस में इसके ग्लू गन के साथ इसको चिपका लेंगे। कहीं से और खुल रहा हो तो वहीं से भी आप ग्लू गन लगा सकते हैं। इस तरह के रोज़ फ्लावर बन जाते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसकी गोल कटिंग लेके मैं इसको साइडों से कट कर रही हूँ और थोड़ा सा हैंड से इसको क्रश करूँगी, अंदर को प्रेस करूँगी ताकि ये थोड़ा ऊपर को हो जाए। और इसको भी मैं इस तरह से कैंडी के बीच में लगाऊंगी। मुझे रेडीमेड फ्लावर आते हैं इस तरह बंच में, ये वन फ्लावर मैं इन सब के बीच में लगा दूंगी इस तरह से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर कैंडीज़ का। ये अलग अलग कलर्स की और अलग अलग टाइप्स की जो मैंने कैंडीज़ ली हैं, मैंने बहुत कम कैंडीज़ ली हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं फ्लावर में, जैसे 10-8 कैंडीज़, मैंने सिर्फ 5-5 लगाई हैं। इसमें मैंने स्क्वायर पेपर पर ही लगा दी हैं और जो साइडों में एक्स्ट्रा इसका पेपर दिख रहा होगा उसको मैं कट कर दूंगी। मैंने कम कैंडी इसलिए ली है कि मैंने जो 6 मंथ के बेबी को जो देना है और वो तो चॉकलेट कैंडी खाएगा नहीं और उनके घर में और कोई भी नहीं खाता तो बेकार ही जाएंगी, इसलिए मैंने कम लगाई हैं। अदरवाइज़ आप किसी 1 ईयर या 2 ईयर के बेबी के लिए बना रहे हों तो आप ज़्यादा कैंडी और ज़्यादा चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि उसे और पसंद आए। बच्चे खुश हो जाते हैं ये सब देख के। रिबन का एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हम सेटिंग कर लेंगे अपने फ्लावर्स की कि किस तरह से हमने लगाने हैं। ये बड़ा फ्लावर बनाया है मैंने, इसकी वीडियो मिस हो गई थी, सॉरी। तो इस तरह से मैंने 2 चॉकलेट भी लगाई हैं। आप चाहें तो 4-5 चॉकलेट या बड़ी वाली चॉकलेट लगा सकते हैं, जो चॉकलेट बच्चों को पसंद हो वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्लावर उठाएंगे, उसके नीचे ग्लू गन लगाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे मुझे सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से मेरा हार तैयार है। मैंने इसे एक बोर्ड का पीस लिया है, जो हमें पैकिंग वगैरह में बोर्ड आते हैं उसका पीस कट करके उस पर मैंने एक पेपर लपेट लिया है जो गिफ्ट रैपर होता है और उसके डबल टेप के साथ ये हार चिपका दिया है ताकि ये अच्छा लगे। ये काइट्स मैंने पेन से ड्रॉ करके पीस कट के बनाई हैं। हैप्पी लोहड़ी फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।